नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव वार्ष्णेय और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे हम ESSL या किसी भी ब्रांड के जो है बायोमेट्रिक मशीन को कैसे आप जो है उस पर EM लॉक लगा सकते हैं स्लाइडिंग डोर्स पे। तो यहाँ पर हमने एक मशीन ESSL की आइडेंट्रिक्स K90 प्रो, इसको हमने यहाँ पर इंस्टॉल किया है और इस मशीन के साथ यहाँ पर जो है स्लाइडिंग डोर अवेलेबल है, स्लाइडिंग डोर जिसमें कि हमें EM लॉक लगाना है। तो इसमें हमने जो यूज किया है आप देखेंगे कि देखिए ये हमारा स्लाइडिंग डोर है और जिस पर हमने यहाँ पर ये देखिए ये हमने एक पहले यू ब्रैकेट लगाया है, यू ब्रैकेट के ऊपर हमने एल ब्रैकेट लगाया है और देन फिर हमने जो है इसका सपोर्ट इसमें दिया है जो लॉक का है। तो इसमें बेसिकली ये हाफ पार्ट ऑफ द जेड ब्रैकेट हमने यहाँ पर यूज किया है और ये पहले यू ब्रैकेट सपोर्ट के लिए, फिर उसके बाद एल ब्रैकेट एंगल देने के लिए और फिर उसके बाद उसका फ्रेम जो लॉक का है, तो ये हमने यहाँ पर यूज किया है। और साथ में जो इसका जो अदर पार्ट है, जो मैग्नेटिक पार्ट है, वो हमने जो है यहाँ पर ये हमने एक एल्युमिनियम फ्रेम में इसको माउंट किया है जिससे कि थोड़ा सा ये मजबूती से रह सके। तो इसको हमने इलेक्ट्रॉनिक जो है इसको एल्युमिनियम फ्रेम में माउंट कर दिया है। और अब ये देखिए कि ये किस तरीके से काम करता है। जब हम डोर को क्लोज करते हैं तो ये मैग्नेट जो है इस मैग्नेट से के साथ जाके चिपक जाता है और ये देखिए ये इसमें हमारा लॉक एक्टिव हो गया, दैट मींस कि हमारा रूम लॉक हो गया। और इसमें जो इनसाइड से जो है अंदर की साइड से हमने यहाँ पर एक स्विच दिया हुआ है जिसकी मदद से आप जो है जो इनसाइड पर्सन है वो बाहर जा सकते हैं। ये भी ESSL ब्रांड का हमने स्विच यूज किया है और इसी तरीके से इसमें हमने यहाँ पर मल्टीपल जो है सेम पैटर्न में मल्टीपल जो है डोर्स पे हमने ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉक जो है हमने कनेक्ट किया है ऑन द स्लाइडिंग डोर। तो इस तरीके से आप जो है स्लाइडिंग डोर पे भी EM लॉक को इजीली लगा सकते हैं जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।